माननीय वन मंत्री एवं युवा खेल विभाग मंत्री राकेश सिंह पठानिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस हॉल मिनी सचिवालय धर्मशाला में 2020 के सभी खेलों की नीतियों पर चर्चा हुई। इसमें सभी खेल एसोसिएशन के पदाधिकारी शिक्षा के तरफ से एवं खेल विभाग के पदाधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया युवाओं की भावना को समझते हुए युवाओं के पक्ष में विधानसभा रखी, जिससे युवाओं को एक खेलने के लिए स्टेडियम मिले। इस स्टेडियम को एक मॉडल स्टेडियम बनाया जाए, जिसमें युवाओं का एक खेल को बहुत बड़ा मंच मिले, जिससे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आए। पठानिया ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए ऐसे मैदानों में खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान हो, जिससे युवा खिलाड़ी आगे आए। वन एवं युवा खेल विभाग मंत्री राकेश पठानिया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मैदान का काम शुरू करवाया जाएगा और इस मैदान को स्टेडियम का रूप देकर तैयार किया जाएगा। 20 के लिए जो बैठक रखी थी, उसमें जो खिलाड़ियों के और खासकर फेडरेशन के और कोचेज के जो ग्रीवेंसीज थे, वो हमने इस खेल नीति में जो माननीय खेल मंत्री के पठानिया की अध्यक्षता में धर्मशाला में हुई वहाँ रखे, और हमने कहा कि एक मैं कहता हूँ पारदर्शिता से खेल नीति बनाई जाए, जिससे आने वाले समय में जो है खासकर ग्रामीण खेलों को जो है महत्व दिया जाए। ये पक्ष हमने रखा और हमने कहा जिम और पावर लिफ्टिंग का अध्यक्ष हूँ, ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश किया जाए। और सबसे बड़ी मांग मैंने की कि जो रात के स्टेडियम का काम जब माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपया इस मैदान के लिए सैंक्शन किया था। ऐसा लगभग 1 करोड़ रुपया एक्शन कांगड़ा के पास आया भी, टेंडर भी हुए, लेकिन पिछले 3 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं कहता हूँ 1 रुपये का काम इस रैत ग्राउंड में नहीं हुआ है। माननीय खेल मंत्री महोदय से हमने विनम्र प्रार्थना की है कि आप इस मामले में इंटरवीन करें और जल्द से जल्द, क्योंकि जिले कांगड़े का ऐतिहासिक मैदान है और प्रदेश भर की प्रतियोगिताएँ इस मैदान में होती हैं, और मैं आपको बताऊँ कि यही एक ऐसा मैदान है जहाँ सवेरे शाम लगभग 300-400 खिलाड़ी जो है हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी जो फीडबैक थी मैं माननीय खेल मंत्री को दी और उन्होंने तुरंत मेरे को आश्वासन दिया कि जल्द से, चाहे वो डिवीज़न कांगड़ा के पास पैसा है,